वन सो so, आज हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे ये एक टॉपिक है हमारा चैप्टर टू का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिफर्स टू द टू सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मींस हमको अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं बुक्स में उस उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम है हमारे पास दीज टू सिस्टम आर द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द डबल और डूबल एंट्री सिस्टम तो दो सिस्टम है हमारे पास सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री वॉट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द वे ऑफ

तो आगे देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम इन विच द प्रोपराइटर्स और द फॉर्म डू नॉट अलाउ स्पेसिफिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम टू मेंटेन अकाउंट्स देखिए डबल एंट्री डूअल एंट्री सिस्टम जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं डूअल एस्पेक्ट डबल डेबिट एंड क्रेडिट के उस उस रूल को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो कौन सा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब एक पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है दूसरा उसका साइड नहीं देखा जा रहा है तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट है तो देखिए आगे दिया हुआ है इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ इसीलिए इनको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं वो अपने convenience के यूजर जो है जो है, अपनी convenience के according record कर रहा है तो इसको क्या नाम दिया गया सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा तो कुछ फीचर्स है सिंगल एंट्री सिस्टम के इसको भी डिस्कस कर लेते हैं सुटेबल फॉर सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप फर्म ये किसके लिए बेस्ट रहती है जो सोल ट्रेडर्स होते हैं हाँ पार्टनरशिप फर्म जिनका बिजनेस छोटा होता है उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादा सही है नो प्रेजेंट रूल्स प्री सॉरी नो प्रीसेट रूल्स कोई भी रूल्स नहीं है इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम है जो मैं किया जिस जिस साइड को रिकॉर्ड करना होता रिकॉर्ड कर लिया आपने तो कोई प्रीसेट रूल्स नहीं है एज कंपेयर्ड विद डबल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर केप्प्ट देखिए टोटल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं पर्सनल रियल एंड नॉमिनल वो क्या होते हैं वो आगे एक हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें कवर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट कवर कर रहा है ये पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को ये कवर नहीं कर रहा है नॉमिनल में एक्सपेंसिज एंड इनकम आती है तो उसको ये कवर नहीं कर रहा है इनकम्प्लीट सिस्टम ये सिस्टम इनकम्प्लीट है अभी हमने पढ़ा ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड सारे ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगे कैश बुक इसका एक फीचर है ये कैश बुक की तरह बिहेव करता है कैश बुक में कैश आया रिकॉर्ड किया कैश गया रिकॉर्ड किया यूनिफॉर्मिटी नहीं है यूनिफॉर्म नहीं है रूल्स नहीं है प्री तो कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होगी पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड कर रहा है कलेक्शन ऑफ इफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनका इंफॉमेसन जो कलेक्ट हो रहा है वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट मिला उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया उसका सेकेंड पार्ट देखा ही नहीं हमने क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड हमने एक एक साइड रिकॉर्ड किया दूसरा जगह रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये कुछ इसके फीचर्स है वेरिएशन इन एप्लीकेशन अब हर कोई प्रोपराइटर अपने अकॉर्डिंग उसको जो कन्वीनियंट लगे उसी अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा हो सकता है उसको डेबिट एक ट्रांजेक्शन के दो साइड हो रहे हैं डेबिट और क्रेडिट हो सकता है उसको डेबिट वाला ज़्यादा सही लग रहा है तो वो डेबिट रिकॉर्ड कर देगा किसी को क्रेडिट अच्छा लग रहा है तो क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेगा कन्वीनियंट लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करेगा तो ये वेरी वेरी करेगा वेरिएशन इन एप्लीकेशन प्रॉफिट ओनली एन एस्टिमेट इससे जो प्रॉफिट निकलेगा वो एक एस्टिमेट निकलेगा कोई एकदम कह सकते हैं हम रिफाइंड फॉर्म का प्रॉफिट नहीं मिलेगा एक एस्टिमेट निकलेगा ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन कैनॉट बी एसर्टिन से करेक्ट पोजिशन नहीं पता चल पाएगी हमें क्योंकि हमने एक साइड तो अवॉइड ही कर दिया उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया डेबिट को रिकॉर्ड किया क्रेडिट को नहीं किया क्रेडिट को किया डेबिट को नहीं किया तो एक ट्रू पोजिशन नहीं पता चल पाएगी नॉट एक्सेप्ट टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको नहीं मानते हैं तो आपको टैक्स अगर पे करने हैं अगर आपको तो आप डबल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर करिए फिर टैक्स अथॉरिटी उसको वैलिड मानेंगी आई थिंक फीचर्स क्लियर हो गए होंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आगे हमारा दिया है डबल एंट्री सिस्टम चलिए Main आता है हमारा टॉपिक डबल एंट्री तो ये डबल एंट्री क्या है अच्छा आप ध्यान रखिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते हैं छोटी मोटी सोल प्रोपरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म वो लोग फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम पे आते हैं देखिए बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ है एक बैलेंस बना हुआ है मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट भी होगा तो एक बैलेंस्ड फॉर्म है ये इन द डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजेक्शन ड्यूअल एस्पेक्ट एंड एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टीज डेबिट एंड क्रेडिट वेयर एंड दे आर इक्वल इस सिस्टम में क्या होगा हर ट्रांजेक्शन के दो साइड रिकॉर्ड होंगे एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा और दोनों बराबर होंगे अगर डेबिट फाइव थाउजेंड से किया है तो क्रेडिट भी आपको फाइव थाउजेंड से करना होगा तो आई थिंक आप ये समझ में आ गया कि डबल एंट्री सिस्टम में डूअल एस्पेक्ट लग रहा है करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू और मोर अकाउंट्स हर ट्रांजेक्शन दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा कौन से अकाउंट पर्सनल रियल और नॉमिनल यहाँ पे नॉमिनल भी कवर हो जाता है और सिंगल में सिंगल में सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट को कवर करते हैं तो ये तीनों को करेगा और एक ट्रांजेक्शन में हो सकता है दो या दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो एवरी एक्शन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स अभी देखा आपने जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इसके टू पार्ट्स दो एक्शन निकल कर आएंगे डिवीजन ऑफ अमाउंट कॉलम एज डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे हमने आपको बताया था टू साइडेड इफेक्ट होगा एक डेबिट एक क्रेडिट दो कॉलम भी बन जाएंगे अमाउंट के जहाँ पे डेबिट का अमाउंट फाइव थाउजेंड क्रेडिट का अमाउंट फाइव थाउजेंड दोनों दिखाया जाएगा डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है ये सारे ट्रांजेक्शन में बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग कॉन्ट कन्वेक्शंस और कॉन्सेप्ट को ये प्रॉपरली फॉलो करेगा डबल एंट्री सिस्टम तो ये बेस्ट मेरे हिसाब से लग रहा है आपके हिसाब से भी यही बेस्ट है और सभी लोग इसी को बेस्ट मानते हैं प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टोटल किए जाते हैं अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तभी तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा उसके लिए एक स्टेटमेंट बना दिया ट्रायल बैलेंस डेबिट के टोटल आइटम लिख कर टोटल कर दीजिए क्रेडिट के टोटल कर दीजिए बराबर आ जाएगा तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो एक आगे टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम आगे प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट जो फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन सब में ये बेस्ट रहता है डबल एंट्री सिस्टम तो आई थिंक डबल एंट्री सिस्टम भी बहुत ईजी था आपको समझ में आ गया होगा तो so, ये दो सिस्टम थे अकाउंटिंग के और बेसिस भी होते हैं वो हम आगे कवर करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम का एक इस तरह प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे एक डेबिट होगा एक क्रेडिट सो दिस इज़ योर प्रेजेंटेशन फॉर डबल एंट्री सिस्टम एक डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों में देखिए यहाँ पे क्या है डुअलिटी जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो डुअलिटी पे बेस्ड नहीं है डूअल एस्पेक्ट को नहीं फॉलो कर रहा है और ये डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन डूल डुअलिटी यूज़र्स सोल प्रोवाइडरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म यूज़ करती हैं जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं जिनका बिज़नेस करोड़ों में अरबों में चल रहा हो वो ये फॉलो करती हैं कोई भी फॉलो कर सकता है कोई ये नहीं है कि शॉपकीपर नहीं फॉलो करेगा उसको करना है तो कर सकता है लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है उनके लिए कि उनको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा फिर सॉफ्टवेयर ले गया रही है तो इसलिए वो नहीं फॉलो करते कॉस्ट इंड चीप कॉस्टली अकाउंट्स मैंटेन सिंगल पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है इसमें तीन अकाउंट बन रहे देखिए पर्सनल रियल एंड नॉमिनल डिटेक्शन ऑफ एरर सिंगल एंट्री में आप एरर नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे कैसे सर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी हो रहा है डबल एंट्री में यहाँ डेबिट हो रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए क्रेडिट है ही नहीं कुछ तो आप एरर कैसे आइडेंटिफाई करें पाँच हज़ार से डेबिट हो रहा है तो पाँच हज़ार से क्रेडिट भी हो रहा है डबल एंट्री में और सिंगल एंट्री में क्या हो रहा है पाँच हज़ार से डेबिट क्रेडिट का कुछ है ही नहीं तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि उसका अपोजिट कहाँ हुआ सो दिस इज़ योर डिटेक्शन ऑफ एरर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा उसको हम कवर करेंगे तो आप जरूर से देखिएगा सो थैंक यू एवरी